हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ इंस्टेंट लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो सिर्फ 3 मिनट में और 3 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए इसे बनाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 150 ग्राम के करीब पेठा। ये आपको कहीं भी किराने की दुकान पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने लिया है 4 चम्मच नारियल का पाउडर और 4 चम्मच मिल्क पाउडर। सबसे पहले हम इस पेठा को कद्दूकस कर लेंगे, इसे ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। अब हम इन सभी चीज़ों को एक बड़े से बाउल में डालेंगे और तीनों को मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस लड्डू का मेन इंग्रेडिएंट्स ये तीन ही हैं। तीनों को हम इस बाउल में डाल लेंगे। इसके बाद इसमें फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चुटकी के करीब इलायची का पाउडर, ये ऑप्शनल है, और 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर, ये भी ऑप्शनल है। लड्डू को सुंदर बनाने के लिए मैं ये कलर डाल रही हूँ। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें चीनी नहीं डालना है क्योंकि पेठा है ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से। मैंने इसे मिक्स कर लिया है और डो की तरह बना लिया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसमें से थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे और इस तरह से हाथों से गोल करते हुए इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो, छोटा बड़ा जैसा भी चाहे आप बना सकते हो। इस तरह से हाथों से गोल करते हुए इसे चिकना कर लेंगे। इस तरह से। और लड्डू को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर नारियल का पाउडर लिया है। नारियल के पाउडर में हम लड्डू को अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद लड्डू हमारा बहुत ही सुंदर दिखेगा। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डू का कलर आप कोई भी दे सकते हो, जो भी आपके पास फूड कलर हो या नहीं भी हो, बिना कलर के ही बना सकते हो आप। ये मेरा आखिरी लड्डू है, मैंने सारे लड्डू को बना लिया है। यदि ये लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह की और भी मजेदार रेसिपी को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ।